गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, दसवीं क्लास का बोर्ड कौन सा है, महाराष्ट्र बोर्ड। महाराष्ट्र बोर्ड या कोई भी है, जिसको अगर जरूरत रहेगी किसी भी और सभी बोर्डों में, सीबीएसई बोर्डों में भी ये सब सवाल होते हैं, अगर उन्हें भी जरूरत रहेगी तो वो देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र बोर्ड, लेकिन सिलेबस किसका है, जो सवाल है उसे आपको महाराष्ट्र बोर्ड में है, तरीका तो आपको सभी जगह पे वही चलता है। तो महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा दसवीं चैप्टर नंबर 4 भूमिति रचना है, और उसका 4.1 यानी दो एक्सरसाइज है। 4.1 हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। 4.2 आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 4.2 में क्या है उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी आपको दे दूं। तो 4.2 में आपको वृत्त से संबंधित सवाल है, यानी कि जो भी रचनाएं करने हैं वो सारे के सारे किससे संबंधित है, वृत्त से संबंधित है। उस वृत्त की क्या करना है, आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। किस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचनी है, एक जब बिंदु वृत्त पर होगा तब खींचना है, और एक जब बिंदु वृत्त के बाहर रहेगा तो स्पर्श रेखा खींचनी है। यानी कि क्या मैंने बताया, वृत्त पर स्पर्श रेखा, इस पूरे एक्सरसाइज 4.2 में वृत्त पर स्पर्श रेखा ही खींचना है, लेकिन कब खींचना है, एक जब बिंदु वृत्त पर रहेगा तब स्पर्श रेखा खींचना है, और एक बिंदु जब वृत्त के बाहर रहेगा तो स्पर्श रेखा खींचना है। यानी कि इस प्रकार से दो सवाल रहेंगे, एक जब वृत्त पर बिंदु स्थित रहेगा तब स्पर्श रेखा कैसे खींचोगे, और जब एक बिंदु वृत्त के क्या रहेगा, बाहर रहेगा, तो वहां से स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं उसके बारे में अध्ययन करना है। अब इसमें भी जब वृत्त बिंदु पर रहेगा, जब वृत्त बिंदु कहां रहेगा, वृत्त पर रहेगा, तो उसमें भी स्पर्श रेखा खींचने के लिए दो तरीके हैं। एक है जिसमें केंद्र का उपयोग आपको करना है, और एक है जिसमें केंद्र का उपयोग नहीं करना है। यानी कि अगर देखा जाए तो 4.2 में तीन प्रकार के सवाल हैं। एक जब वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना रहेगा, वृत्त पर बिंदु है उसमें स्पर्श रेखा खींचना है, तो उसमें दो तरीके आ गए। और एक हम सीखेंगे जब वृत्त बिंदु कहां रहेगा, वृत्त के बाहर रहेगा, तो स्पर्श रेखा कैसे खींचना है। क्लियर? तो ये तीन प्रकार के सवाल हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो अभी तक जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने मुझे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें मैं क्या कहूंगा, धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और बेल आइकन का बटन दबा के रखिए, क्योंकि आपको इससे क्या होगा, आपको मेरे द्वारा जो भी नए नए वीडियो बनाए जाएंगे वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा, तो आपको आसानी से क्या होगा, वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, उसमें बोला है कि एक वृत्त खींचना है, एक वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या कितनी लेनी है, 3.2 सेंटीमीटर, और उस वृत्त के केंद्र का नाम लेना है P। केंद्र का नाम, केंद्र कहां होता है, जिस जहां पर आप क्या करते हैं, गोला प्रकार की नोक रख करके वृत्त बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, वृत्त का केंद्र। यानी कि जो वह बिंदु निश्चित करते हैं वृत्त बनाने के लिए, तो वो केंद्र हो गया। और स्पर्श बिंदु M, मतलब आपको बिंदु M जो है वह वृत्त पर लेने के लिए कहा गया है, प्रश्न में वृत्त पर रखना है, और उस बिंदु M से होकर जाने वाले स्पर्श रेखा आपको क्या करना है, खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या, मतलब कैसा कच्ची आकृति में समझे, तो एक उचित त्रिज्या, मतलब उचित त्रिज्या मतलब जो दिया गया है 3.2 का, आप क्या करेंगे, इस प्रकार से त्रिज्या लेकर वृत्त बनाएंगे, इस वृत्त पर केंद्र का नाम इसमें क्या बोला है, P रख देना है, और इसमें आपको बोला है कहीं पे भी क्या करना है, बिंदु M ले लेना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे वृत्त पर बिंदु M ले लिया, अब इस वृत्त पर हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। अब स्पर्श रेखा खींचने के इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है जिसमें केंद्र का उपयोग कर सकते हैं, और एक होता है जिसमें केंद्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मेंशन नहीं है, मेंशन जब नहीं रहेगा यानी कि केंद्र का उपयोग करना है, और जब आपको मेंशन रहेगा यानी कि लिखा रहेगा केंद्र का उपयोग ना करके, तभी आप बिना केंद्र का उपयोग करके बनाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कक्षीय आकृति में मैं अगर बोलूं तो ये बिंदु M पर स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा किसको कहा जाता है, स्पर्श रेखा मतलब क्या होता है, ऐसी रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर क्या करती हो, प्रतिच्छेदित करती हो, ऐसी रेखा को क्या कहा जाता है, वृत्त की स्पर्श रेखा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऐसी रेखा
जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु को क्या करती हो, स्पर्श करती हो या प्रतिच्छेदित करती हो, उसे कहा जाता है स्पर्श रेखा। यानी कि रेखा ऐसी जानी चाहिए जो सिर्फ इस वृत्त को कहां पे स्पर्श करे, M पर, इसके अलावा वृत्त को कहीं भी वह स्पर्श ना करे, ऐसी रेखा आपको खींचनी है। यानी कि कच्ची आकृति अगर देखें तो इस प्रकार से आपको क्या होगी, स्पर्श रेखा जाएगी। और थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता प्रमेय से त्रिज्या और स्पर्श बिंदु पर, त्रिज्या के बाह्य सिरे पर और स्पर्श बिंदु पे हमेशा क्या होता है, 90 अंश का कोण बनता है। तो इस तरह से रेखा L हमने क्या किया है, खींच दिया है। इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी लेने के लिए कहा गया है, 3.2। ये हुआ हमारा कच्ची आकृति। अब इसे हमें क्या करना है, पक्की आकृति में बदलना है। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिज्या लेकर के वृत्त बनाएंगे। कितनी त्रिज्या लेकर, 3.2। चलिए माप ले लीजिए, 3.2। चलिए मैंने माप ले लिया है 3.2। स्केल से आप स्केल और पेंसिल को क्या करना है, इसके बीच की दूरी 3.2 रखना है, जीरो से मापने का और 3.2 तक जाने का। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वृत्त बनाएंगे। एक बिंदु पहले फिक्स कर लेते हैं, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, वृत्त तैयार हो गया। अब ये वृत्त बनने के बाद यहाँ पे केंद्र का जो नाम है वो क्या रखोगे, P। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, P। अब इसके बाद आपको स्पर्श रेखा खींचना है, वो भी केंद्र का उपयोग करके। तो जब केंद्र का उपयोग करके बोला रहेगा तो आप क्या करेंगे, बिंदु M को पहले कहीं भी ले लीजिए। चलिए हम लोग ले लेते हैं कहीं पे भी, आप मान लीजिए यहाँ सामने ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी आप ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर बिंदु M ले लिया। अब इसको केंद्र का उपयोग करना, मतलब केंद्र से इसको क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ाना है, यानी एक किरण खींचना है। यानी पीछे तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन इस दिशा में आप कितना भी आगे उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो कहां से जानी चाहिए, M से होकर जानी चाहिए। तो इस तरह से हमने क्या किया, उसे एक रेखा खींच लिया। और मैंने यह बताया बिंदु का नाम क्या रखना है, M। ओके, अब इसी बिंदु को, अब M पर स्पर्श रेखा खींचना मतलब क्या करना, ऐसी लंब रेखा खींचना, मतलब आपको लंब रेखा खींचना, क्योंकि आपको बताया गया तीसरे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता प्रमेय से, स्पर्श रेखा हमेशा क्या करती है, त्रिज्या के बाह्य सिरे पर 90 अंश का कोण बनाती है। इसलिए अगर मुझे M पर स्पर्श रेखा खींचनी है तो M पे 90 अंश का कोण बनाना है। तो 90 अंश का कोण बनाना है यानी कि लंब रेखा खींचनी है। और किसी बिंदु पे लंब रेखा कैसे खींचते हैं, ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है। जैसे मुझे M पे लंब रेखा खींचना है तो गोला प्रकार की नोक कहां रखूंगा, M पर रखूंगा। और एक त्रिज्या लेकर, कोई एक त्रिज्या फिक्स करने का और M के बाईं तरफ एक चाप काटने का, वही साइज का M के दूसरी साइज पे क्या करने का, कट करने का। तो हमने क्या किया, M पर रख करके एक त्रिज्या फिक्स करके इस तरफ भी एक चाप काटा, इस तरफ भी एक चाप काटा। अब जब दोनों चाप कट गए तो आप क्या करना है, बारी बारी से एक एक चाप पर रखना है। मान लीजिए इस पहले वाले चाप पर रखा, दूरी कितना रखना है, दूसरे वाले चाप से थोड़ा कम, एक चाप ऊपर की तरफ घुमा देंगे और एक चाप नीचे की तरफ घुमा देंगे। माप को हिलाना नहीं है। अब दूसरे वाले चाप पर रखना, पी पे नहीं, दूसरे वाले चाप पर, देखो यहां पे, और यहां से इसको ऐसा काट देना है। और इसे क्या करिए, आप मिला दीजिए। तीनों बिंदु एक ही रेखा में आनी चाहिए। यहां जहां प्रतिच्छेदन हो रहा है ये बिंदुओं को ले लीजिए, तो तीन बिंदु 1, 2, 3 तीनों क्या होनी चाहिए, एक रेखा में आनी चाहिए। इस तरह से स्केल को क्या करेंगे, आप सेट करेंगे और मिला देंगे। अब मिलाने के कई तरीके हैं, डॉट डॉट रूप में बनाना है तो डॉट डॉट रूप में, यानी कि बारिश करा दीजिए,
थोड़ा सा सुंदर लिखता है आकृति में। और आप जानते हैं कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बना था, तो ये बनाना भूलिए मत, चाहे अंदर की तरफ बनाइए चाहे बाहर की तरफ, इसी तरफ भी एक जगह बना दीजिए। तो ये तो हमने M दर्शा दिया, P दर्शा दिया, अभी त्रिज्या लिखा क्या आपने? नहीं। तो कहीं भी एक लाइन खींच करके क्या करेंगे, त्रिज्या का माप ले देंगे। मान लीजिए यहाँ पर A नाम दे देते हैं और इस त्रिज्या का नाप यहाँ पे देते हैं 3.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पक्की आकृति तैयार हो गई। ये हमारी क्या है, कच्ची आकृति है, और ये हमारी क्या है, पक्की आकृति। क्लियर? ये सिंपल सा था, ये आपको प्रश्न में 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। ओके, तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्योंकि सेकंड जो मैंने है वह आपको पहले के जैसा बिल्कुल था, इसलिए मैंने उसको नहीं कराया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी स्पर्श रेखा ही खींचना है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वृत्त पर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने के 2 तरीके हैं, एक जिसमें हम केंद्र का उपयोग करते हैं और एक जिसमें केंद्र का उपयोग नहीं करना है। तो ये वाले प्रश्न में आपको केंद्र का उपयोग नहीं करना है, इसलिए मैं इस प्रश्न को करा रहा हूं। जब आपको केंद्र का उपयोग नहीं करना रहेगा तो स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे उसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके लिए एक कच्ची आकृति बना लेंगे। और देखिए यहाँ पे त्रिज्या दिया गया था 3.6, यानी कितनी त्रिज्या का वृत्त खींचना है, बाकी केंद्र का नाम स्पर्श बिंदु का नाम नहीं दिया था, तो मैंने अपने मन से नाम ले लिया है और मैंने यहाँ बताया है कि केंद्र का उपयोग नहीं करना है। तो हम लोग कच्ची आकृति में पहले समझते हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए आपको ये हमने त्रिज्या लेके क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे, वृत्त लेने के बाद आपको बिंदु टी पर स्पर्श रेखा खींचना। मान लीजिए इसका केंद्र का नाम पी है और हम लोग स्पर्श बिंदु कहीं पे भी एक जगह ले लेते हैं, मान लीजिए टी यहाँ पर है। अब इस पर स्पर्श रेखा खींचना, लेकिन केंद्र का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि केंद्र का उपयोग करना रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट इसे टी को मिलाएंगे, लेकिन यहाँ केंद्र का उपयोग नहीं करना है, यानी केंद्र को टच ही नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। हमेशा याद रखिए, जब भी केंद्र का उपयोग नहीं करना रहेगा तो आप हमेशा क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि टी तो फिक्स है, बाकी 2 बिंदु त्रिभुज के कहां आएंगे ये फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप कहीं भी ले सकते हैं। मान लीजिए एक बिंदु मैंने यहां ले लिया, एक बिंदु यहां ले लिया, जितने बिंदु फिक्स रहेंगे उसको आपको क्या करना है, फिक्स करके रखना है, बाकी के बिंदु अपने मन से कहीं भी ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ एक ही बिंदु फिक्स हमने, मतलब देखा जाए तो तीनों को हमने अपने आप से मन से फिक्स किया है। चलिए यहाँ पे नाम ले लेते हैं, मान लीजिए एम, और यहां ले लेते हैं एन। अब इसको क्या करेंगे, मिला देते हैं, यानी कच्ची आकृति हम लोग समझ रहे हैं पहले, इस तरह से आपको क्या करना है, मिला देना है, जब आपको केंद्र का उपयोग नहीं करना रहेगा तो। अब टी पर स्पर्श रेखा खींचना है, यानी अगर एन का बनाएंगे तो एन का सर्वांशम कोण यहां बनेगा, और एम का बनाएंगे तो एम का सर्वांशम कोण यहां बनेगा। इस तरह से आपको याद रखना है कि उसका बराबर वाला कोण यहां पे, यहां जो कोण बन रहा है उसके सामने यहां पे आपको बनाना है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उचित त्रिज्या यानी 3.6 लेकर के एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। बिंदु फिक्स कर लेते हैं, इस तरह से हमने क्या किया, वृत्त बना दिया है। अब इस बिंदु का नाम हम लोग को नहीं दिया गया था, हमने अपने मन से माना है P। अब इस पे बात मैंने बताया कि तीनों बिंदु को कहीं पे भी लेना है, मान लीजिए यहाँ पे T ले लिया, यहाँ पे M ले लिया, यहाँ पे M ले लिया। जब बिना केंद्र का उपयोग करना रहेगा तो त्रिभुज बनाना जरूरी रहता है, इसे क्या करेंगे, मिला देंगे।
ओके। अब इसके बाद क्या करना है ये आपको ध्यान रखना है। ये जो कोण M है यहां पे जो बन रहा है उसका ही सर्वांशम कोण यहां T पे बनाना है, या N का जो सर्वांशम कोण है यहां पे T पे उसके सामने बनाने का। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले M पे सर्वांशम कोण कैसे बनाते हैं किसी का, पहले जिस कोण का सर्वांशम कोण बनाना है वहां पे रखते हैं और एक त्रिज्या फिक्स करके क्या करते हैं चाप काटते हैं। तो देखिए मैंने एक चाप पूरा चाहिए भाई ये, या सिर्फ लाइन को दो जगह पे जहां पे कट रहा है वहां पे काट सकते हैं। मैंने सब पूरा घुमा दिया है। अब यही चीज आपको कहां रखना है, टी पे रख के घुमाना है। तो देखिए मैं टी पे यहां पे रखा हूं और यहां से ऐसा क्या करूंगा, लाइन को देखो जो भुजा है उसके सामने है उसको काटते हुए देते कि कहां की तरफ आना चाहिए, बाहर की तरफ इस तरह से आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसकी दूरी माप लेना है। यहां पे लाइन पे पहले जगह यहां काट रहा है और यहां पे काट रहा है, देखो उतना ही बराबर लगभग। अब यही चीज को जब आप रखें कहां रखोगे, ये जो देखो जीवा आपने एंटी खींचा है इस एंटी को ये चाप जो है यहां पे काट रहा है, वहीं पे रखने का और काट देने का। अब इसके बाद आपको क्या करना है, टी से उसको मिला देना है। टी और ये बिंदु दोनों क्या होनी चाहिए, एक लाइन में आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा बिना केंद्र, देखिए हम कहीं भी यहाँ पे केंद्र का उपयोग नहीं किए, केंद्र यहाँ पे सिर्फ किसके लिए उपयोग किया था, वृत्त बनाने के लिए, लेकिन स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमने कहीं भी केंद्र का उपयोग नहीं किया। तो इसे बोला जाता है बिना केंद्र का उपयोग किए हुए क्या करना, स्पर्श रेखा खींचना। और अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या दर्शाने के लिए कहीं पे भी एक लाइन खींच के त्रिज्या दर्शा देंगे। यहाँ ये देखेंगे 3.6 सेंटीमीटर जो है, यहाँ पे कोई नाम ले लीजिए, ये क्या है त्रिज्या है। तो ये हमारा आकृति क्या हो गया, पूर्ण हो गया। इसे बोलते हैं बिना केंद्र का उपयोग किए हुए स्पर्श रेखा खींचना। वृत्त के बिंदु से होकर जा रही है लेकिन इसमें बनाने के लिए हमने कहीं भी केंद्र का उपयोग नहीं किया। ओके, तो बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 3.3 सेमी वाली त्रिज्या एक वृत्त बनाइए। यानी कि आपको एक वृत्त बनाना जिसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 3.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर इसमें एक जीवा खींचना जिस जीवा की लंबाई क्या है, 6.6 सेंटीमीटर है। यानी कि इस सवाल में हम लोग ये भी खींचेंगे कि किसी वृत्त में अगर जीवा का माप दिया है तो जीवा कैसे खींचेंगे। जीवा खींचने के बाद आपको क्या करना है, वो जीवा के अंतिम सिरों पे स्पर्श रेखा खींचनी है और स्पर्श रेखा के संदर्भ में आपको अपना निरीक्षण बताना, उत्तर बताना है। तो कच्ची आकृति मैंने बना दिया है 3.3 सेंटीमीटर के सब वृत्त खींचेंगे और केंद्र का नाम मैंने अपने मन से ओ ले लिया है। अब हमें जीवा खींचना है, जीवा क्या है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से कि जीवा की जो लंबाई है 6.6 है और त्रिज्या जो है वो 3.3 है, यानी कि ठीक इसका दो गुना है, दो गुना है यानी कि क्या हो गया व्यास। क्योंकि आपने पढ़ा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वह क्या होती है, व्यास होती है, और व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है, दो गुना होता है। इसलिए यहां देखो ये जीवा जो है वो कहां से जा रही है, केंद्र से जा रही है। ये सवाल में आपको ध्यान में देखना है, जीवा अगर त्रिज्या के आधे से छोटी है मतलब उसके दो गुने से छोटी है यानी कि वो क्या होगी, व्यास से छोटी बनेगी, तो वो केंद्र से नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने देखा इस प्रश्न में जो जीवा है वो ठीक त्रिज्या का क्या है, दो गुना है यानी कि ये केंद्र से जाएगी, इसलिए मैंने उसको केंद्र से खींचा है। चलिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले 3.3 लेंगे और वृत्त बनाएंगे। चलिए मैंने माप ले लिया है 3.3। अब यहां पे मैंने क्या किया, डॉट बना लिया केंद्र के लिए और हम वृत्त बनाते हैं। इस केंद्र का नाम मैंने ओ रख दिया है।
अब आपको मैंने बच्चे से बताया कि ये डायट जीवा क्या है, उसकी दो गुनी है, तो आप दो गुनी है तो डायट ऐसा कहीं से भी क्या कर सकते हैं, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा खींच सकते हैं, या अगर आपको चाप काट के करना है तो आप क्या करिए, इसका 6.6 सेंटीमीटर ले लीजिए, और चाप काटिए, चाप काटेंगे तो देखो बिंद पे ही आएगा, इसलिए आपको क्या करना है, उसको काटने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप क्या करेंगे उसे ऐसा मिला देंगे। मान लीजिए आपने पी यहां फिक्स किया, अब 6.6 सेंटीमीटर की जैसे मैंने आपको बताया कि इसको ले लीजिए, और जब आप काटेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा, वृत्त पे ही आएगा, क्योंकि चौक की थोड़ी मोटाई ज्यादा है इसलिए आपको वो ऐसा लग रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे इसके सामने ही कहीं पे बिंदु क्यू ले लेंगे, आप क्या करेंगे गोला प्रकार से काट लीजिएगा। अब ये तीनों बिंदुओं को क्या करिए, मिला दीजिए, इस तरह से यहां ले देंगे कि त्रिज्या कितनी है, 3.2 कहीं भी दर्शा दीजिए त्रिज्या, तो ये 3.2 सेंटीमीटर, चलिए आगे का हम लोग इस पर, अब हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है, तो यहां भी कहीं बोला नहीं है कि केंद्र का उपयोग करके करो या कहीं से भी करो, तो हम लोग क्या करेंगे केंद्र का उपयोग करके करते हैं, तो इस लाइन को क्या करेंगे आगे की तरफ और बढ़ा देंगे, इस तरह से हमने बढ़ा दिया इस तरफ, क्योंकि पी पे भी करना है और क्यू पे, इसलिए दोनों तरफ आप क्या करेंगे इसको बढ़ा देंगे, ओके बढ़ा दिया, ई को चाहे तो यहां से हटा करके थोड़ा नीचे कर दीजिए, आकृति में जितनी सुंदरता रहेगी उतनी अच्छी बात है, और क्वेश्चन को भी थोड़ा सा क्या करते हैं यहां से हटा देते हैं, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे पी और क्यू पे स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो पी पे पहले खींचते हैं, तो पी पे हमने गोला प्रकार का नोक रखा, त्रिज्या कोई भी एक फिक्स कर लीजिए, पी के बाईं तरफ दाईं तरफ दोनों जगह चाप काट लिया, अब इसके बाद इन चापों पे रखिए, आधे ज्यादा दूरी लीजिए, एक बार ऊपर की तरफ एक बार नीचे की तरफ चाप काटिए, फिर दूसरे वाले चाप पे रखिए, आपने पहले किया इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, अगर चाप नहीं काटा तो फिर दो वाले पुराने वाले चाप पे जाइए और लाइन को उस दिशा में बढ़ा दीजिए, ये पी पर स्पर्श रेखा हो गई, खींच दीजिए इसको, रेखा का नाम एल रख दिया, और आप जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या को हमेशा क्या करती है, 90° का कोण बनाती है, इसलिए यहां 90° का कोण हो जाएगा। अब दूसरा वाला भी आप क्या करिए, ऐसे ही खींच लीजिए, आधे से ज्यादा दूरी ले लेते हैं, सॉरी कोई भी त्रिज्या फिक्स कीजिए, बाईं तरफ दाईं तरफ दोनों जगह चाप काट लीजिए, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे आधे ज्यादा दूरी दोनों चापों के बीच ले लीजिए, ऊपर नीचे कितना दूरी लेना है, देखिए दूसरे वाले चाप से थोड़ा सा छोटा, फिक्स करने के बाद पहले वाले चाप पे रखे ऊपर नीचे काट दीजिए, फिर दूसरे वाले चाप पे रखे काट दीजिए, और इसे क्या करके मिला दीजिए, यहां भी 90° का कोण बना देंगे, इस रेखा का नाम एम रख दीजिए। चलिए आकृति तो बन गया, प्रश्न में क्या बोला है, ये जो स्पर्श रेखा है वो इसके संदर्भ में बताइए, तो आप देख रहे हैं यहां 90°, यहां 90°, इन 90° कोणों का योगफल कितना हो रहा है, 180° है, और अंतर कोणों का जब योगफल 180° होता है तो वे रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। यहां आप चाहे तो नाम कुछ दे सकते हैं, यहां बता सकते हैं कोण P प्लस कोण Q बराबर क्या हो रहा है 90 प्लस 90 एंड
आंसर में ऐसा लिखिए, यानी कि कितना हो गया 180 अंश। तो आप बता दोगे कि अंतर कोण का योगफल कितना है, एक सौ अस्सी अंश है, इसलिए जो रेखा L है वो क्या होगी, रेखा M के समांतर है। क्लियर। तो इस दोनों रेखाएं जो हमने खींचा स्पर्श रेखा, ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, समांतर। कैसे पता चला, क्योंकि अंतर कोणों का योगफल कितना है, 180 अंश है। तो इसे बना लीजिए और आंसर लिख लीजिए।